स्लीप यानी सोना आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आपके दिमाग का संतुलन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप 7 दिन मतलब एक हफ्ते तक नहीं सोते तो इसका असर आपके शरीर पर कैसे होगा, आपके दिमाग इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इन चीज़ों को आप कभी भी ट्राई मत करना, क्योंकि नींद आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इससे खिलवाड़ ना ही करें तो ये अच्छा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन न सोने के बाद आपको हल्की हल्की नींद आएगी और आपका दिमाग आपको किसी भी चीज़ों में मन नहीं लगने देगा। आपका सर भी दर्द करेगा, पर जैसे जैसे समय बीतेगा आप ज़्यादा एक्टिव महसूस करोगे और बहुत खुश हो जाओगे। अगर किसी ने कितना भी घटिया जोक मारा तो आप उस पर भी हंस पड़ोगे और दिन भर हंसते रहोगे और खुद को और मोटिवेटेड महसूस करोगे, क्योंकि आपके दिमाग का मिसलिम्बिक सिस्टम नामक पार्ट एक्टिव हो जाता है। इससे आपका शरीर ज़्यादा मात्रा में खुशी का हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। पर बुरी बात यह है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। 2 दिन बाद आप फिर से आपकी एनर्जी खोने लगोगे। पहले दिन जितना आप खुश थे वो सब खत्म हो जाएगा। आपका बिहेवियर कुछ अलग ही हो जाएगा। आपके आसपास के लोगों को लगेगा कि आप पिए हुए हो, आप ऐसे ऐसे हरकतें करोगे, आप किधर भी जाने के काबिल नहीं रहोगे। 2 दिन बाद आप मैथ्स का एक भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकोगे। आपका फोकस पूरी तरह से हट जाएगा। आप किसी भी चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकोगे। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो 2-3 सेकेंड बाद आप पढ़ नहीं सकोगे, इतना ज़्यादा फोकस आपका डाइवर्ट हो जाएगा। आप एक ही जगह पर बैठे रहोगे 3 दिन बिना सोए। 3 दिन बाद आपके अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कम होने लगेगी, मतलब जिससे आपका शरीर एनर्जी मेंटेन करता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इस वजह से आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, जिससे कोई भी वायरस और बैक्टीरिया आपके ऊपर आराम से काबू पा सकता है और आपको बीमार कर सकता है। 3 दिन बाद यह दुनिया आपको एक वीडियो की तरह दिखने लगेगी और आपको अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देगी। ये इसलिए होता है क्योंकि आप खुली आंखों से सपने देखने लगते हो। सपना आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आप मुझे बोलोगे, यार मिस्टर एस वर्ल्ड, मुझे तो सपने ही नहीं आते। तो मेरे दोस्तों, बहुत लोग सपने उठने से पहले ही भूल जाते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जिनको सपने याद रहते हैं। इसलिए 3 दिन के बाद आपकी हालत बद से बदतर हो जाती है। 4 दिन बिना सोए। 4 दिन बाद अगर आप किसी से बोलने जाओगे तो उसकी बात को समझने में ही आपको 1-2 सेकेंड्स लग जाएंगे, क्योंकि आपके कान को जो न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं उनके पास मैसेज पहुंचने में इतना टाइम लग जाएगा कि आपको उसकी बात समझने में बहुत समय लगेगा साधारण टाइम के मुकाबले। ये पूरी दुनिया आपको एक स्लो मोशन में दिखने लगेगी। आपको अगर किसी ने चाटा मारा तो उसका एहसास आपको 3-4 सेकेंड्स बाद होगा। इतना ज़्यादा इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर 4 दिन न सोने के बाद होगा। 5 दिन बिना सोए। अब आपके माइंड की ताकत इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि आपको 1+1 क्या होता है यह भी याद नहीं आएगा। आपका बिहेवियर इतना ज़्यादा अलग हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके सर में इतना ज़्यादा दर्द होगा कि जैसे आपका सर फट रहा है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है, जैसे अंधेरे में लगता है कि कोई आपको देख रहा है, वैसे सेम आपको लगेगा। आपकी रिएक्शन टाइम हद से ज़्यादा स्लो हो जाएगी। 6 दिन बिना सोए। 6 दिन बाद आपका शरीर कोई भी मेमोरी स्टोर नहीं कर सकता, मतलब अगर आपने 2 सेकेंड्स पहले कुछ खाया हो वो भी आप भूल जाते हो। 6 दिन बिना सोने के बाद आपका दिमाग एक जहर सीक्रेट करने लगता है, जिसे बीटा एमिलॉइड कहते हैं। यह आपके दिमाग में पूरी तरह से फैल जाता है और इस वजह से आपके शरीर में हार्मोन की कमी होने लगती है। आपका शरीर कौन सा भी हार्मोन सीक्रेट ही नहीं करता, इस वजह से आपका शरीर बहुत ज़्यादा खतरों से घिरा रहता है। 7 दिन बाद आप जिंदा भूत की तरह हो जाओगे।
जो कुछ बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ सोच नहीं सकता, कुछ याद नहीं रहता। आप एक जगह पर बैठे रहोगे, आपका शरीर पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाएगा और आप कुछ भी कर नहीं सकोगे। इतनी ज्यादा हालत आपकी बदतर हो जाएगी। तो सवाल यह आता है कि आप बिना सोए कितने दिन तक जिंदा रह सकते हो? तो उसका जवाब है 11 दिन। 11 दिन तक आप बिना सोए जिंदा रह सकते हो, पर 11 दिन के बाद आपकी मौत हो जाएगी। पर आपका शरीर ऐसे होने नहीं देगा, आपका शरीर आपको सुला कर ही रहेगा। आप कितनी भी कोशिश करोगे तभी भी आपका शरीर आपको मरने से बचाकर सुलाई देगा। साल 1963 में रैंडी गार्डनर इस इंसान ने 11 दिन तक न सोने का रिकॉर्ड बनाया। वो एक जीते जाते ज़ॉम्बी बन गए थे, पर 11 दिन के बाद वो अपने आप ही सो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की न सोने की, पर उनके शरीर ने उनको सुलाई दिया। इसके बारे में खास बात यह है कि अगर आप 11 दिन तक बिना सोते हुए बिता लेते हो और बाद में 12 से 15 घंटे सो लेते हो तो आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो सोने के लिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अगर आप गहरी नींद लेना चाहते हो तो आप सोने से पहले नहाइए। इससे आपका ब्रेन फ्रेश होता है और आपको गहरी नींद आती है। और एक बात, आपके खाने और सोने में 3 घंटे का अंतर रखिए, जिससे आपके सोने की प्रोसेस में आपकी पाचन क्रिया टांग नहीं अड़ाएगी और इससे आपको बहुत गहरी नींद आएगी।